नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, नेपा नगर से कांग्रेस की हमेशा से समर्पित नेता रही हैं और भारी मतों से ये जीती थी और विधायक रही हैं ये नेपा नगर से सुमित्रा देवी। और इससे कुछ दिन पहले ही प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भी कांग्रेस को एक तगड़ा झटका दिया था और इस्तीफा दिया था और इससे पहले 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और अब ये दो नए नाम और भी जुड़ गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका और विधानसभा सदस्यता से सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, नेपा नगर की ये विधायक रही हैं, कुछ दिन पहले ही प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भी इस्तीफा दिया था और अब एक और नाम जुड़ गया है। और सुधीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, क्या लगता है आपको, आखिर चूक कहां से हो रही है कांग्रेस से? लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, उसके बाद भी इस तरह से अगर कोई विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे देता है तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस अपने खेमे को बचाकर नहीं रख पा रही है। सुधीर, आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें तो कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था जो है ना विधायक है नेपा नगर की, और ये कहा जा रहा था कि उनके सचिव जो है वो किसी मामले में ग्रस्त, कदम उनको उठाना पड़ा। हालांकि ये जानकारी विधानसभा सचिवालय की ओर से दी गई और विधानसभा सचिवालय की ओर से जहां पर ये जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई थी वहां से डिलीट भी किया गया है। हो सकता है कि इस पूरे मामले में कुछ असमंजस की स्थिति बनी हो, पर लेकिन फिर भी जो जानकारी ऑथेंटिक विधानसभा सचिवालय की ओर से आई, तो अपने दर्शकों को हम यही कह सकते हैं कि जो काजडेकर है नेपा नगर की विधायक, उन्होंने अपने विधायक विधानसभा सचिवालय के सूत्र जो थे उनका उसमें कहना है सुमित्रा देवी काजडेकर ने इस्तीफा दिया है। और जो बात हम बता रहे थे कि विधायकों का मुंह बंद हुआ है या किसी तरीके का दबाव था या फिर सुधीर, आपकी आवाज कट कट करके आ रही है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आकर आप बात कीजिए, दर्शकों तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। तो जैसा कि सुधीर बता रहे थे कि पहले विधानसभा सचिवालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई और फिर उसके बाद जानकारी को हटा लिया गया है वहां से, तो एक असमंजस की स्थिति भी है। लेकिन थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली थी विधानसभा सचिवालय की तरफ से कि नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है और ये कांग्रेस को एक और झटका, क्योंकि इससे पहले 22 विधायक पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में प्रद्युम्न सिंह लोधी के बाद अब नेपा नगर की कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी, उनका भी एक नया नाम जुड़ गया। ऐसे में कई ऐसे सवाल है जो कांग्रेस के सामने है कि आखिर जब उपचुनाव कभी भी उनका ऐलान किया जा सकता है। लगातार कमलनाथ भी हर जगह जा जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर वो जोश भर रहे हैं, समीक्षा बैठक की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी आखिर अपने लोगों को बचा करके रखने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है कांग्रेस। चलिए एक बार फिर से सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर बताइए, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो जो सुमित्रा देवी काजडेकर है उनके इस्तीफे की जानकारी जो है विधानसभा सचिवालय से सामने निकल कराई थी। हालांकि पहले ये सोशल मीडिया पर जानकारी विधानसभा सचिवालय की ओर से दी गई थी, बाद में इस जानकारी को डिलीट किया गया है। पर लेकिन जो बात बीजेपी के सोर्स अब बोलने लगे हैं कि इस्तीफा सुमित्रा देवी ने दिया है अपनी विधायकी से और उसके पीछे कारण जो है वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है विधानसभा के, उनसे बातचीत करने की हमने कोशिश की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी उनका कोई जवाब सामने निकल कर नहीं आया है, पर लेकिन इसके पीछे जो एक प्रमुख वजह जो बताई जा रही है वो वजह एक जो है वो यही है कि शायद कुछ दबाव उनके ऊपर था, कांग्रेस पार्टी के अंदर नाराजगी उनकी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की ओर से कुछ जो प्रद्युम्न सिंह लोधी को लेकर जो चर्चा की गई थी, प्रद्युम्न सिंह लोधी को जिस तरीके से लाया गया था, अगर इतना बड़ा कुछ कारण बीजेपी के पास में होता तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस पूरे मामले को जरूर केस कराती। लिहाजा जिस तरीके से विधानसभा सचिवालय के पास सीधे उनका त्याग पत्र पहुंचा है, हो सकता है कि किसी तरीके का कोई दबाव या फिर किसी तरीके का कोई जो एक प्रेशर सुमित्रा देवी लेकर के ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया हो। विधानसभा सचिवालय ने सबसे पहले यह जानकारी दी, उसके बाद में सोशल मीडिया से इसको हटाया। लिहाजा एक सस्पेंस जरूर इस पर बनता है कि क्या जब तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि या तो सुमित्रा देवी या कोई आधिकारिक तौर पर कोई व्यक्ति ना करे, तब तक जरूर एक सस्पेंस बना रहेगा। पर लेकिन फिर भी विधानसभा सूत्रों के हवाले से जो खबर थी, उनके जो जानकारी थी, उसके आधार पर हम जरूर कह सकते हैं कि सुमित्रा देवी काजडेकर विधायकी से इस्तीफा उन्होंने दिया है, और जो विधानसभा के सूत्र अभी तक बता रहे हैं। क्या लगता है सुधीर, अभी बीजेपी की सदस्यता लेके अगर इन्होंने वाकई विधानसभा वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है
देखिए पहले इस्तीफा की एक पूरी प्रोसेस पूरी हो जाए, क्योंकि अगर बीजेपी को ये लगता तो निश्चित तौर पर सदस्यता जरूर दिलाई जाती है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर जो बात सामने निकल कर आई है कि क्या बीजेपी की सदस्यता वो लेंगी, एक सस्पेंस इस पूरे मामले पर बना हुआ है। और सुमित्रा देवी काश्तेकर से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत अगर हो सके तो निश्चित तौर पर इस पूरा जो एक कारण असमंजस और जो भी है उससे एक धुंध जरूर हटेगा। जी सुधीर, क्या लगता है आपको, राजस्थान में जिस तरह से राजनीतिक संकट चल रहा है, क्या उससे भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, विधायकों का विश्वास टूट रहा है कांग्रेस की तरफ से, या फिर संगठन इतना कमजोर हो गया है कि आपने बताया कि किसी को जानकारी भी नहीं है कि वो इस्तीफा दे रही है? देखिए पिछले चार दिनों से भोपाल में थी और इस्तीफे की पुष्टि जो है वो विधानसभा सचिवालय से हुई है। अभी तक कांग्रेस की ओर से नाराजगी, बीजेपी की ओर से उनके ज्वाइन करने की खबर बिल्कुल भी नहीं आई। अपने दर्शकों को बिल्कुल बताएं और विधानसभा सचिवालय से भी जहां से जानकारी सोशल मीडिया पर डाली गई थी उसको डिलीट किया है। यानी कि कहना होगा कि क्या विधानसभा सचिवालय तक केवल उनका इस्तीफा पहुंचा था, इस्तीफा स्वीकार हुआ है, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, ये असमंजस हो सकता है कि इस्तीफे को सुमित्रा देवी ने दिया और विधानसभा की ओर से या फिर कहना चाहिए कि स्पीकर की ओर से उसको स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि स्पीकर की ओर से अभी तक ये बात पुष्टि नहीं हो पाई है कि सुमित्रा देवी के इस्तीफा उनके पास पहुंचा है या इस बारे में अभी तक कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा सुमित्रा देवी भोपाल में, कोशिश हमारी है कि जल्दी से जल्द उनसे अगर बातचीत होती है तो इस पूरे असमंजस, उनकी नाराजगी या कोई कारण दूसरा भी था, इस पूरे मामले से जो है जल्द पर्दा हटाया जा सके। बिल्कुल सुधीर, चलिए शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं अब क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्या सुमित्रा देवी खुद सामने आती है बयान देने के लिए। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे उज्जैन का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान शपथ लेने के बाद पहली बार पहुंचे हैं उज्जैन महाकाल में।